देखिए व्यूअर्स, मैंने ये पार्ट तैयार कर लिया है। हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई हैं, दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। ये देखें, इसको हम ऐसे अगर देखें तो ऐसे भी स्लीव तैयार हुई देखेंगे। तो ये मैंने इसका बॉर्डर भी तैयार कर लिया है। ये बॉर्डर जो है वो इस तरह आएगा ऐसे करके। तो इस तरह ये आस्त जो है ये आपकी स्लीव तैयार हो गई है और ये वाला पार्ट भी तैयार हो गया। अब हमने ये सारी जो है फंदे हमने सिलाई पे लेने हैं और उसके बाद फिर ये जो दो दो फंदे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने बढ़ाए थे केवल कास्ट ऑन तरीके से, ये भी हम इस सिलाई पे ले लेंगे। तो ये मैं आप फिर आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये तो आपको याद होगा ये हमने इतना बना लिया था पार्ट, तो सीधा फ्रंट पार्ट हमने बना लिया था जो है ये दो लेंगे। ये देखें दो जो हैं ये और ये दो जो हमने केबल कॉस्टलान के जरिए बढ़ाए थे हमने, जी एक ये और एक किसको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखें इसी तरह पे आप स्लीव के इस पार्ट पे जाएं इस साइड पे, यहाँ भी ये दो बढ़ाए थे उनको भी आप इसमें शामिल कर लें और इस तरह ये कनेक्ट भी हो जाएगा इसके साथ, एक और ये दो। और बाकी ये जो है ये इसी तरह आप कनेक्ट करते जाएं, साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अब हमने ये सारे नीचे वाला पार्ट बॉडी पार्ट हमें तैयार करना है। उसी तरह से बनाते जाएं। देखिए मैंने बैक पार्ट जोड़ लिया है, अब ये नेक्स्ट स्लीव भी आ गई है तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। इसकी दो जो हमने बढ़ाए थे यहाँ पे, ये देखें ये बढ़ाया था और ये आगे बढ़ाया था, ये इसको हमने जोड़ लिया है। अब इस साइड पे जाएं आप तो आपको यहाँ भी दो ही नज़र आएंगे, ये देखें इसको हम ऐसे जोड़ लें, कनेक्ट कर लें इसके साथ और आगे ये फ्रंट पार्ट के हम सारे बुन लेते हैं। बुन के मैं फिर इस साइड पे आपको बताती हूँ आगे। ये देखें व्यूज, मैंने सारे जो है फंदे चढ़ा लिए हैं इस पर हमने अपनी सर्कुलर नीडल पे। तो अब हम स्टॉकनेट स्टिच यानी सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टी जो है सवाए ये जो है हमारे छह जो फंदे हैं वो हमने सीधे बनाने हैं और आखिरी उल्टा बनाना है और पहला स्लिप करना है। तो ये हम बनाते हैं, ये हमने 20 सेंटीमीटर बढ़ाना है जो है वो बनाना है हमने क्रॉच के तक, हमने ये 20 सेंटीमीटर बनाना है। हम जब हम इसको मेजर करेंगे ना तो हमने यहाँ से मेजर करना है, मेजर यहाँ से करना है 20 सेंटीमीटर यहाँ तक बनाना है, फिर आगे क्रॉच का जो है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो 20 सेंटीमीटर बनाते हैं और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि मैंने यहाँ पे हमने जो बटन होल बनाया था उसके बाद मैंने 10th रिज जो थी उस पर मैंने बटन होल बनाया, फिर मैं 10th रिज अब आगे ये बनाऊँगी। तो ये देखें
ये जहाँ जिस पे 10th रेट है ना उस पे मैंने बना के, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th फिर आगे 10th पे बनाया है। तो आप देखिए आगे कितनी रिजेस हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। एक और जो आगे जो इसके बाद जो रिज आएगी उसमें मैं बनाऊंगी इसको, मैं बटन होल को। तो आप भी इस तरह बनाएं 10 रिजेस के बाद। तो चलिए बनाते हैं 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो है वो 8 इंचेस होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको हम, और फिर क्रॉच का आगे मैं आपको फिर बताऊंगी कैसे बनाना है। ये व्यूज देखेंगे, मैंने ऑफ द कैमरा मैंने ये सीधी सीधी नेट जो थी दोनों तरफ से सीधी सीधी, राइट साइड से भी सीधा बनाया है और रॉन्ग साइड से भी सीधा बनाया है, और मैंने जो है वो 3 रिजेस बनाई हैं। ये देखिए 1, 2 और 3, यानी मैंने 6 सलाइयाँ बनाई हैं। अब मैं आगे से जो है यहाँ से फ्रंट से सीधा और बैक साइड से हम उल्टा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बटन पट्टी के जो फंदे हैं 6, ये तो हमने सीधे सीधे बनाने आखिर तक क्रॉच तक। अब सीधी तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे हम आखिरी फंदे तक, और उसको हमने उल्टा बनाना है, यानी ये जो है इसको फिर हमने आखिरी जो है वो उल्टा बनाना है। ये देखिए व्यूअर से इसकी हम लेंथ नापते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से आर्म होल से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन 21 सेंटीमीटर है। हमें 20 सेंटीमीटर का, तो 21 सेंटीमीटर है ये। तो अब हमने इसका क्रॉच का एरिया बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसको, पहले इनके ये जो फंदे हैं इनको हम हाफ ऑफ कर लें। तो चलिए करते हैं इसको हाफ। मैं ये इसका बैक साइड के इसके जो थे वो 44 थे इसके फंदे, तो उसका हम हाफ करते हैं। यहाँ से हमने ये इसका फ्रंट है और ये बैक है। तो अब हम यहाँ से गिनते हैं कितने फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, यानी 50 हो गए। तो आगे 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके हाफ हो गए। वहाँ से भी गिन लेते हैं कुल फंदों का हाफ करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 3 और 2, 5, ये हमारा हाफ हो गया। तो ये एक बीच में फंदा है, इसका अब एक फंदा है हमारा बीच में। चलिए चलिए हम अब हम क्रॉच बनाते हैं। अच्छा, क्रॉच बनाने का तरीका ये है कि अब हम यहाँ पे बटन पट्टी बंद कर देंगे, इसके 3 फंदे बंद करेंगे राइट साइड से भी, इधर से भी 3 फंदे बंद करेंगे, और फिर दूसरी साइड से भी यहाँ से भी 3 फंदे बंद करेंगे। तो चलिए बंद करते हैं, कुल 6 फंदे हैं, 3 बंद कर देने हमारे। अब यहाँ पे 1, 2 और 3,
तीन फंदे बंद हो गए, बाकी दो रह गए। तो आपने अब इनको सबको ये सीधा बनाना है, उल्टी तरफ से भी सीधा बनाना है। ये अब हमारे यहाँ पे दोनों तरफ से जो हम सीधा गाटे स्टिच बनाते वो अब नहीं बनेगा, अब यहाँ सामने सीधा बनेगा, उल्टी साइड से उल्टा बनेगा। तो ये हम बनाते हैं, पूरी सिलाई जो है वो हम सीधी बनाएंगे। आखिरी के फंदे तक यहाँ पे, आखिरी फंदे तक हम बनाएंगे इसको उल्टा बनाएंगे। यहाँ पूरी जो है ये रो जो हम सीधी बनाएंगे। ये देखें हम सिलाई के आखिर फंदों तक आ गए हैं। तो ये गार्टर जो है इसकी बटन पट्टी जो है ये हम बनाएंगे, फुल बनाएंगे आखिर तक, और उल्टी साइड से यानी रॉन्ग साइड से हम इसको बंद करेंगे तीन फंदों को। एक दो और तीन, अब यहाँ से आपने इसको उल्टा बनाना है क्योंकि हमारी सिलाई सारी रॉन्ग साइड से उल्टी है यानी पर्ल है। देखिए व्यूज, अब हमने क्रॉच बनाना शुरू करना है। तो ये जो टेक्निक है यानी हम जब फ्रॉम टॉप टू डाउन हम बनाते हैं तो उसमें अगर क्रॉच बनाना है तो ये टेक्निक जो है ये मैंने क्राफ्टी नीडल से इंस्पायर होके बना रही हूँ, उनसे सीखी है मैंने ये। तो थैंक यू क्राफ्टी नीडल्स। तो ये देखें अब हम इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे, हम इन फंदों को हमने यहाँ पे क्राउच का ये वाला पार्ट हमने यूं बनाना है। तो अब हम बनाएंगे, ये देखें हमने चार फंदे बढ़ाने हैं। अब पहला उतार लिया है बगैर बिना बुने, और इसको आप यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लें और दो ये सीधे बुन लें, और इस तरह ये सारी सीधी सिलाई जो है ये आप सीधी बनाएं मिडल के पार्ट तक जहाँ भी हमने ये मार्कर लगाए हैं यहाँ तक। जी देखिए मैं यहाँ मिडिल के पार्ट तक पहुँच गई हूँ। तो अब हमने ये दो मार्कर लगाए थे, तो हमने इन मार्कर के दरम्यान में हमने एक फंदा छोड़ा था, ये देखें एक फंदा छोड़ा हुआ हमने। तो एक एक से एक फंदे को हमने दो बनाने हैं पहले, उसके बाद फिर हम बढ़ाएंगे दोनों साइड पे। तो इसको तो आप बुन लें और मार्कर के साइड पर कर लें, और बीच में एक फंदा बढ़ाया आपने, और ये जो एक फंदा बीच में है हमने इसको दो करना है क्योंकि हम दो बीच में होंगे दो बढ़ाएंगे इससे चार बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो हमने इवन नंबर में क्राउच को बढ़ाना है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं और एक और बढ़ाएंगे, यानी ये चार हो गए। ठीक है, दो पहले हो गए और दो फिर हमने बढ़ाए। तो अब इस मार्कर के तरह कर लें, बाकी आप जो हैं वो बुन लें फंदे। यहाँ तक आखिर तक आप बुन लें इसको, फिर यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे क्राउच के।
नाजी ये देखिए हम लोग अब गाउच वाले पार्ट में पहुंच गए हैं। तो ये दो फंदे हम पहले बनाएंगे सीधे ऐसे, उसके बाद एक आखिर से एक फंदा हम फंदा पहले बढ़ाएंगे। ये देखिए हमने बढ़ा लिया और आप इसको सीधा बुन गए ऐसे। अब हमारा एक फंदा बढ़ गया है, चार बढ़ गए हैं, यानी एक हमने बढ़ाया तो चार हो गए, पहले तीन थे। तो अब हमने उल्टी साइड से उल्टा ही बनाना है इसको, क्योंकि हमारा ये बटन पट्टी का यहाँ पे पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं, तो पहला जो है वो हम बगैर बुने उतारेंगे और बल्कि एक और बुन जाएंगे। एक पहला बगैर बुने उतारा, एक बुन लिया, ये जो हमने पहले बढ़ाया था वो बुन लिया, और एक और बढ़ा लें और ये बुन जाए। बाकी सारी जो है वो रो जो है वो सीधी बनानी है आपने, यानी नेट करनी है, और यहाँ तक मार्कर तक हम बनाते हैं। देखिए ये व्यूज हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो ये मार्कर जो है आ गया है, तो ये आप इसे स्लिप कर लें और यहाँ पे बढ़ाएँ एक फंदा, ये बीच वाले बुन लें, चार दो तीन और चार, और अब इस मार्कर से पहले भी एक बढ़ाएं और मार्कर स्लाइड स्लिप कर दें, और बाकी आप आखिर तक यहाँ तक इस क्रॉच के इस वाले पार्ट तक सीधे बनाएं सारी रो जो है। देखिए ये क्रॉच तक हम पहुँच गए हैं, अभी हम फंदे इसके बनाए एक दो, और ये दो जो पहले थे, एक ये बढ़ाया था हमने और एक ये आखिर में ही था, उससे पहले हमने एक बढ़ाना है, ये दो से पहले हमने एक बढ़ाना है और ये बुन लें। अब उल्टी सिलाई जो है वो पूरी आपने पर यानी पर करनी है, उल्टी करनी है आखिर तक, फिर सीधी तरफ आते हैं। जी हम फिर सीधी तरफ आ गए हैं, तो अब फिर पहला जो है वो हम बगैर बुने उतारेंगे और एक और दो बुनेंगे, उसके बाद फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, बाकी जो है सारी रो जो है वो सीधी बनाएं। जी हम यहाँ मिडल तक आ गए हैं बैक साइड के, तो अब हम ये मार्कर के इधर स्लाइड करेंगे और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और बीच वाले बुन जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, और एक और पढ़ाएंगे मार्कर को स्लाइड करके, सारी जो रो जो है ये आखिर तक यहाँ तक इस तक ये क्रॉच के इस एरिया तक हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए हम आखिर तक आ गए हैं, अब ये क्रॉच जो है इसके हमने इंक्रीज करना है, ये बुन के आखिरी तीन फंदों से पहले हमने एक बढ़ाना है, ये तीन फंदे से पहले हमने एक बढ़ाना है, और ये तीन बुन लें ऐसे आप। और उल्टी सिलाई जो है रॉन्ग साइड पे सारी आपने उल्टी सिलाई बनानी है, यानी आपने पर्ल बनानी है। जी व्यूज़ ये देखें हमारी ये लास्ट जो है वो इंक्रीज रो है हमारी, ये एक दो तीन और चार बना के आपने बढ़ाना है, एक ये देखें। अब ये बैक साइड पे हम जो मिडिल में हमें क्रॉच जो बना रहे हैं, इसमें हमने लास्ट इंक्रीजेज आएंगे, एक इंक्रीज और करें और इसको आप कर लें। अब हमारे बीच में जो है वो 10 हो गए हैं, दो पहले थे 8 इंक्रीजेस हमने किए, तो अब 10 हो गए हैं यहाँ पे।
यहाँ तक आखिरी क्रॉच के पार्ट तक आते हैं हम सीधा बनाकर। देखें अब हमारे आखिरी चार फंदे रह गए, उनसे पहले हमने एक इंक्रीज करना है। पांच फंदे हो गए, 3 2 5, इसलिए पांच इस साइड पे हो गए हैं। ये देखें ये पांच इस साइड पे हो गए हैं और बीच में 10 हो गए। अब उल्टी सिलाई सारी आप रॉन्ग साइड सारी उल्टी करके, यानी आप पर्ल करके सीधी तरफ आते हैं। अब हमने ये जो क्रॉच हमने बढ़ाया था एरिया, ये पार्ट जो था इसको हमने बाइंड ऑफ करना है, ये भी बाइंड ऑफ करना है, और ये जो दरम्यान में था बैक साइड पे ये भी बाइंड ऑफ करना है, और ये साइड पे जो ये इस साइड पे ये भी बाइंड ऑफ करना है। तो चलिए करते हैं। फाइव फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए। एक पहला था तो हमने चार और बढ़ाए हैं, तो फाइव फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। बाकी अब मिडल तक जाएं। ये देखिए व्यूज, हम ये इधर मिडिल पार्ट में आ गए हैं। अब इसको उतार दें और आपने इसको अब बाइंड ऑफ करें इन बीच वाले फंदों को। 9 और ये 10 जो है ना, ये हम इसके साथ मिलाकर नेक्स्ट इसके साथ, तो इसमें से इसको उतार लेंगे। ये 10 पूरे बाइंड ऑफ हो गए। देखें अब ये बाकी जो हैं वो सीधे सीधे बुने फंदे। ये क्रॉच के फंदे आ गए हैं पांच, तो इनको हम यहाँ से बुन के रॉन्ग साइड से हम बंद करेंगे। यहाँ से ये ब्लैक पार्ट सेपरेट हो गया है और ये ब्लैक पार्ट सेपरेट हो, 51 इसमें फंदे हैं, 51 इसमें फंदे हैं। तो ये मैं अब हम एक टाइम में हम एक ही जो है वो लेग बनाएंगे, फिर दूसरी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो यहाँ एंड तक मैं बुन पे आती हूँ। देखिए अभी मैंने 6 लाइनें मुकम्मल कर ली हैं, हम ये 7वीं है नीडल के ऊपर, तो अब हम डिक्रीज करेंगे। पहली डिक्रीज है लेग की, तो हम यहाँ पे एक मार्कर लगा लेते हैं।
देखिए एंड पे पॉइंट के अब यहाँ से इस साइड से यहाँ से डिक्रीज हमने कर लिए, यहाँ से अब करेंगे। तो पहले इनको आप सीधा कर लें, बैक लूप से इनको आप बोल लें, ऐसे दो कैक कर लें। तो पहली डिक्रीज हो गई हमारी। इस तरह हर आपने छः सिलाइयों के बाद यानी छः सिलाइयाँ बुनने के बाद सातवीं जो सिलाई होगी उस पर आपने डिक्रीज करना है, ताकि याद रहे कि हमने यहाँ डिक्रीज की है। अच्छा, आपको एक और बात बता दी जरूर, मैं जब मैं इसकी ये इसकी आर्म्स जो थे ये स्लीव्स हम मैंने की थी डिक्रीज, तभी मैंने ये कहा था जो डिक्रीज रो होती है ना पहले वाली ये, तो इसको भी आपने काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है आपने, कि जैसे हम कहते हैं कि छः सिलाइयों के बाद आपने छः रोज के बाद आपने डिक्रीज करना है, तो इसको भी काउंट करना है। इस तरह ही आपने पांच डिक्रीजेस करनी है, दो मैंने कर ली, तीन और करती हूँ मैं, तो फिर मैं आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये डिक्रीजेस मुकम्मल हो गई हैं, ये इसकी लेग की डिक्रीजेस मुकम्मल हो गई हैं। तो वन टू थ्री फोर फाइव, पांच दफ़ा यहाँ से डिक्रीज हुआ है और पांच दफ़ा यहाँ से डिक्रीज हुआ है, इधर से पांच दफ़ा ये डिक्रीज हुआ है यहाँ से, देखें 1 2 3 4 5। तो इसकी अब लंबाई देखें हम कितनी हो गई है, ये क्रॉस से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, यानी 5 इंच से थोड़ा सा ऊपर। तो अब हम इसका बॉर्डर शुरू करते हैं, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर शुरू करते हैं। ये अब 41 फंदे मेरे पास ऊपर मौजूद हैं, तो ये बॉर्डर की मैं 30 रोज़ जो है वो रोज़ मैं मुकम्मल करूँगी, और बैक साइड से फिर इसको बाइंड ऑफ करेंगे, क्योंकि उसमें फिर पलट के इधर आना है, तो वो चेन जो है साफ अच्छी लगनी चाहिए। तो चलें बनाते हैं इसको। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 30 रोज़ मुकम्मल कर ली हैं, तो अब ये रॉन्ग साइड से हम इसको बाइंड ऑफ करते हैं। तो लंबी टेल रख के आप इसको काट दें और इसको यहाँ से स्क्वायर कर लें, देखें बन गया। तो बस ये अब देखें ऐसे हो के तो ये यूँ लेग बनेगी सा ऐसे, देखें। तो ये देखें दूसरी लेग बना के तैयार करती हूँ मैं। ये देखें व्यूअर्स, ये जो है बॉडी सूट बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको हम यहाँ पे, ये लेग्स भी बन गई हैं, तो ये बॉर्डर भी बन गया है देखिए इसका ये। तो अब हमने इसको सीना है, स्टिच करना है इसको। तो पहले हम ये जो क्रॉच है इसको हम सीएंगे, सबसे पहले क्रॉच सीएंगे, फिर इसको अटैच करेंगे, उसके बाद फिर हम लेग सीएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सीते हैं हम। तो ये जो देखें आपको ये चेन सी नज़र आ रही है और एक यहाँ पे ये चेन नज़र आ रही है, तो बस इसमें से हमने डालना है
नीडल को ऐसे डालना है। और यहाँ से फिर दोबारा अंदर ले जाके इस साइड पे आ जाना है। अब इस चेन में से डालें, फिर इस चेन में से डालें, इसको ऐसे बाहर निकालें। फिर इसमें से डालें, ये देखें। ये क्लॉथ से सिल गया, ये देखें। तो अब हमने ये बटन पट्टी जो है, ये जो जिस पे होल्स हैं, बीच में बटन होल हैं, उसको ऊपर रखेंगे और ऐसे करके इसको, इस वाले पोर्शन को इसके साथ सीएंगे। ये देखें, इसकी पट्टी पे पट्टी बड़ी एहतियात से रखें ऐसे करके। पूरा कवर होना चाहिए। अब नीचे चले जाएं, एक दफा और ऊपर ला के अच्छी तरह। अब ये जो है नीचे इस वाली पोर्शन, एक तो ऊपर हमने जोड़ा है ना ये वाला, और जो दूसरी वाली पट्टी थी उसका ये तो एंड था, इसको भी हमने कहीं सेट करना है। तो इस साइड पे आ ले आए नीडल को, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टिच करेंगे इधर से। देखें ये अगले वाला, ये हो गया हमारा सेट। तो अभी हम इस वाले क्रॉच को इसके साथ हम जोड़ेंगे। अब ये देखेंगे एक जैसा हो गए हैं दोनों, ये भी और ये पीछे वाला भी। तो इसको हम जोड़ते हैं। नॉट लगाएं। अब देखें हम कैसे इसका, जो थोड़ी टेक्निक है, इनको बराबर ऐसे रख के ये जो है, आप जो हमने ये सीधी सीधी सिलाई की हुई, तो इसके ये जो बनी हुई हैं बार्स बनी हुई, एक ये एक ये एक ये, इसमें से आपने, और इधर भी हैं ये देखें, इधर भी हैं, तो इनको आपने इनमें से एक बार में से निकालना है ऐसे करके ऐसे, और दूसरे साइड से निकाल के इस साइड से आपने आना है।
इधर भी बाहर है, यहाँ से निकालने ऐसे, फिर यूं जाए इस साइड पे आप आए। अभी साइड पे नीचे से धागा लेके जाए, ये जो चेन है आपने इसके नीचे नीचे से स्टिचिंग करनी है आपने, ठीक है। ये देखें बराबर सिल के है ना, पता नहीं चल रहा। तो अब इसको नीले को नीचे ले जाएं, स्निप कर दें। हमारा क्रॉच जो है देखें सिल गया है, क्रॉच सिल गया हमारा। अब हम लेग सियेंगे, ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी लेग्स लेग्स जो सिल के तैयार हो गई हैं, ये क्रॉच भी सिल गया है, यहाँ से दोनों लेग्स सिल गई हैं। तो अब हम इनके इसके ये जो है स्लीव्स ये सीते हैं। इसको अटैच करें यहाँ से दूसरे वाले एंड से, ऐसे तो होल्ड कर लें। और इसको वो जिस तरीके से हमने इसकी लेग्स सी हैं वही तरीका चेन में से डालते जाएं। ये भी हम बाहर से सी रहे हैं, देखें ये देखें व्यूअर्स, ये बन के तैयार हो गया। मैंने बटन भी लगा लिए छः इसमें, तो एक दो तीन चार पांच बटन लगा लिए। ये इसकी ये जो है स्लीव्स हैं, ये देखें हमने सिंपल ही रखा है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो पैटर्न डला है और ये बैक साइड पे पैटर्न डला है। ये देखें बैक साइड से इसकी ऐसे है, ये ऐसे देखें, और सामने फ्रंट साइड से ये ऐसे। कितना क्यूट बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह, ये देखें। ये क्रॉच इसका कितना अच्छा, ये बटन सारे सिंपल बनाया है बिल्कुल, देखें। और ये तो बिगनर्स के लिए तो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा है, वो आराम से बना सकते हैं, इसको सीख सकते हैं।